नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे SDGM संजय देओल सर की महत्वाकांक्षी फिल्म, एम्बिशियस फिल्म, जबरदस्त फिल्म जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। गोपीचंद मेनलानी की फिल्म संजय देओल के मुख्य अभिनय से सजी, साथ में दोस्तों मैत्रेयी मूवीज की फिल्म, पुष्पा मेकर्स की फिल्म जो की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि वाकई ही फिल्म बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाई गई है और दावा है कि भारत की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है। एस थमन का म्यूजिक है जो इस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट यह है कि 19 सितंबर से इसका जो फाइनल शूटिंग शेड्यूल है वो पूरा किया जाएगा, जिसमें फिल्म के कई गाने पिक्चराइज किए जाएंगे। 4 या 5 गाने बताए जा रहे हैं जिसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से एस थमन का म्यूजिक होगा और इसमें दयानंद रेड्डी की भी एंट्री हो चुकी है मुख्य विलेन के तौर पर। हालांकि रणदीप हुड्डा भी इसमें है जो मुख्य विलेन के तौर पर नजर आने वाले। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो विनीत कुमार सिंह है वो भी है और संजय देओल के सर के साथ सियामी खैर भी प्रमुख भूमिका में है। तो काफी जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है, काफी जबरदस्त इसमें मतलब स्टार कास्ट है। इसके अलावा भी एक दो बड़े स्टार का कैमियो इसमें बताया जा रहा है जिसको अभी सस्पेंस के तौर पर रखा जा रहा है। तो काफी बड़ी फिल्म ये होने वाली है और संजय देओल सर का जो लुक है वो वायरल हुआ है, काफी जबरदस्त उनका लुक है। बड़ी बड़ी मूछें, हल्की हल्की दाढ़ी और क्या मतलब बड़ा बेहतरीन, मतलब ये एक फिल्म होने वाली है जिसमें संजय देओल सर को आप फुल ऑन एक्शन करते हुए देखेंगे और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी होने वाली है जो सिस्टम के खिलाफ जो मतलब बिगड़ जाता है शायद, तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शायद फिल्म का नाम जट हो सकता है। अभी पूरा फाइनल टाइटल सामने नहीं आया लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक्शन संजय देओल सर का देखने को मिलेगा। शायद संजय देओल सर की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म ही होने वाली है, तो बहुत बड़ी उम्मीदें आप इस फिल्म से लगा सकते हैं। सितंबर में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म चली जाएगी, उसके बाद में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो सकती है। कब हो सकती है अब इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर जो कि संजय देओल सर का बर्थडे है, जन्मदिन है, उस दिन शायद इस फिल्म के बारे में कोई मोशन पोस्टर या रिलीज डेट या टाइटल अनाउंसमेंट सारी जानकारी आ जाए। अभी कन्फर्म ऑफिशियल न्यूज नहीं है इसलिए मैं इसको अभी बिल्कुल कन्फर्म तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कुछ जगह न्यूज चल रही है कि 19 अक्टूबर को इसका कुछ अपडेट आएगा, देखते हैं। लेकिन फिल्म डेफिनेटली अगले साल ही आएगी और अभी लाहौर 1947 के बारे में कुछ पूछ रहे थे कि पोस्टपोन हो गई, अभी कोई पोस्टपोन नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। डेफिनेटली ये जनवरी में ही आनी है, 26 जनवरी को ही आनी है अगले वर्ष। और बाप फिल्म के बारे में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया है, देखते हैं कब तक ये फिल्म रिलीज होती है। लेकिन SDGM बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका जरूर करने वाली है, ये बात याद रखिएगा। और बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, हो सकता है गदर 2 की तरह ये फिल्म भी थिएटर में बहुत बड़ा बवाल मचाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।